नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्य प्रसाद से। आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कह ले आप डॉग ब्रीड में, बहुत ही पॉपुलर डॉग ब्रीड है और ये आप किसी भी घर टाइप में आप आराम से इसको पाल सकते हैं। और ये डॉग ब्रीड बहुत ही इजी टाइप से मेंटेन हो जाता है, हर फैमिली को अडॉप्ट कर लेता है और किसी भी माहौल में आप इसको आराम से रख सकते हैं। ये आपका घर टाइप किसी टाइप का भी हो आराम से रखा जा सकता है, बकायदा आपके पास थोड़ा टाइम हो डॉग के लिए, क्योंकि ये डॉग थोड़ा मेंटेनेंस भी खोजते हैं। जैसे कि ये थोड़ा इनके बाल थोड़े लंबे होते हैं जिसके कारण आपको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो आप अगर ये डॉग पालना चाहते हैं तो आप जरूर से, आपके पास टाइम होना चाहिए थोड़ा सा ताकि आप इसको टाइम दे सके। चलिए बात करते हैं उसके डाइट को लेकर के, वो सारा कुछ इस वीडियो में रहेगा, तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहें और सारा कुछ देखें। तो हमारे पास ये डॉग है गोल्डन रिट्रीवर का फीमेल। हम तो थोड़ा दिखाइएगा, लाल टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा ना, लाल लाल। तो ये गोल्डन रिट्रीवर का फीमेल पपी है और आप इसके बोन की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही उमदा क्वालिटी है। और इसका हेड देखें, हेयर क्वालिटी देखें, काफ़ी अच्छी, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। और आप हेयर देख सकते हैं, बिल्कुल से लॉन्ग कोट का ये बच्चा है। हमारे पास डबल कोट के भी बहुत सारे बच्चों की वीडियोस आपने देखी होगी, ये लॉन्ग कोट का बच्चा भी हमारे पास है जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल पंच फेस है। क्वालिटी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह का आपको लगा क्वालिटी, और क्वालिटी आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर क्वालिटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम डॉग से रिलेटेड, इस डॉग से रिलेटेड जो भी डाइट की बात होगी वो डाइट पे करेंगे, और भैया का जो भी सवाल होगा। पहले मिलते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका नाम क्या हुआ। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम रोहित रंजन हुआ। तो ये डॉग इनको दिया जा रहा है, तो भैया से जान लेते हैं कि भैया वो डॉग कैसा लगा, है ना? अरे मुझे बहुत बेहतरीन लगा, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। भैया ऐसे बोलेगा तो लोग को लगेगा कि आप बना के बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही बात बताता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मैं डॉग लेने आया हूँ। आज मेरे पे कमेंट भी आया था कि आपके जितने भी क्लाइंट होते ना सारे फेक होते। नहीं नहीं नहीं, मैंने काफी रिसर्च किया है। आप ऐसा कर रहे हैं, लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, 50 रुपए। मैंने काफी रिसर्च किया है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट। आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं पटना से हूँ, पटना भूपतिपुर एकड़ के मोहल्ला है, विच इज नियर टू मीठापुर बस स्टैंड। तो भैया नंबर हमारा कहाँ से मिला था आपको? आपका नंबर मेरे को YouTube से मिला था, आपका वीडियो मैंने देखा था वहाँ पे, और फिर वहीं से मैंने फिर आपसे नंबर आपको वहीं से मिला। हाँ। तो आपने बच्चे के लिए जो भी मतलब प्रक्रिया मैंने आपसे करवाई इस बच्चे के लिए, हाँ, जो भी आपको दो दिन का, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि आपको जो भी पेमेंट आपने पहले किया था और बच्चा मैंने दो दिन बाद आपको दिया है। जी जी। और जो फोटो वीडियो मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल वैसा कि वैसा ही है, कोई अलग नहीं लग रहा, थोड़ा सा सुस्त बुझा। नहीं वो नीचे देखिए आपकी गोद में है तो वो फ्रेंडली महसूस कर रहा है, इस कारण से लगा हुआ है। ना ना बिल्कुल भूखे नहीं है, और भूख की चिंता ना करें भैया, क्योंकि आप डॉग को खाना उतना ही दें जो आपने टाइम बना के रखा है। अगर एक्स्ट्रा देंगे, और देखिए इसके नोज को आप देखेंगे, हमेशा वेट होना चाहिए, ड्राई होता है तो डॉग को प्रॉब्लम। अच्छा, आप इसके नोज को देखें। अच्छा अच्छा, ब्लैक वाला पार्ट हमेशा वो आपको वेट ही मिलेगा, अगर ड्राई होता है तो समझिए प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, हाँ ये सिम्टम है पहचानने का कि आपका डॉग बीमार है। आप लोग तो कभी भी कोई सा भी डॉग ले तो दो तीन प्रक्रिया है, आप जान ले उसको कि कैसे पता करें कि आपका डॉग बीमार नहीं है और बढ़िया बच्चा है। पहला तो डॉग आपका बिल्कुल उसका नोज ड्राई नहीं होना चाहिए, वो वेट होना चाहिए पहला। दूसरा चीज, आपका डॉग को जब आप खाना देंगे और वो खाना तुरंत से खाना चाहिए, ये सीन की खाना देख करके अगर हट जाता है, खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा प्रॉब्लम एक आध बार ये सीन में भी आता है कि जब आपने पहले से उसको खाना दे के रखा तब ऐसा प्रक्रिया हो सकता है, उस समय आपको डॉग का पेट आपको साफ दिखेगा कि ये खाना खा के रखा है। और ऐसे आप डॉग को कभी भी कुछ भी देंगे तो वो खाएगा ही खाएगा, तो ये एक स्वस्थ डॉग की पहचान है जो कि आप देख सकते हो। बच्चा बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, कभी भी बच्चा ले तो आप उसको नीचे उतार कर देखें, वो डॉग खेल रहा है,
दौड़ रहा है या नहीं। तो जैसा कि अभी भैया का डॉग है तो आप लोग भी देखें कि क्या ये एक्टिव है या नहीं है। तो ये एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। अगर डॉग आराम से आपका नहीं सुन रहा है, वो कहीं पे कोना पकड़ के बैठ जा रहा है, सो जा रहा है, तो वो सब रीजन हो सकता है डॉग का बीमार होने का। ये देखिए डॉग आपको कितना अच्छा से खेलता हुआ नजर आ रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा जो भी फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि डॉग लेने के लिए, या इवन जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम भी लेना चाहते हैं, है ना, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी वराइटीज की यहाँ पे डॉग्स, यहाँ मैंने काफ़ी डिफरेंट ब्रीड्स मैंने देखा है यहाँ पे, और जिसमें मेरे को वन ऑफ द ब्रीड विच इज़ गोल्डन रिट्रीवर है ना, वो मेरे को पसंद आया। और एनी वन कैन कॉन्टेक्ट यू एनी टाइम पर्सनली। डॉग के डाइट की बात करते हैं, ये बच्चा आपका 45 डेज अप्रोक्स है, और आज इस डॉग को वैक्सीन भी लगेगा, तो वैक्सीन का कार्ड भी भैया को मिलेगा, वो वैक्सीन हम आपको लगा करके दे रहे हैं। और ये डॉग का फूड, ये डॉग का फूड जो पहले मैं डॉग को दे रहा था, वही डॉग का फूड रिपीट होता है, क्योंकि डॉग में अचानक से आप खाने में तब्दीली नहीं कर सकते, यानी कि डॉग जो घर पे खा रहा था मदर के साथ, जो डॉग खा रहा था वही खा रहा, सेम चीज रिपीट था अगर एक्सेलेट का। इसमें से 15 से 20 जाना, अभी उसे ज्यादा नहीं करेंगे, 15 से 20 जाना फूड इसमें डाल देना है। इसमें से 1 चम्मच दूध जो है इसका मिल्क फीड है, ये इसमें 1 चम्मच डाल देना है, और इसमें मिलाना है गटवेल पाउडर। इसके अंदर 1 चम्मच ऑलरेडी है, छोटा सा 1 चम्मच है, वो आप गटवेल पाउडर का 1 चम्मच इसमें डाल करके थोड़ा करके 15-20 मिनट इसमें छोड़ देंगे। 15-20 मिनट बाद हाथ से क्रश करके डॉग को दे देना, और आप जो फूड भी खुल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, देख लीजिए सॉफ्ट हो गया, तो आराम से दे दीजिए डॉग इसको खा लेकर, वो मैं सारा कर दूंगा। बाकी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, और आप लोगों को भी वीडियो पसंद आता है तो अपने जिनको जानकारी चाहिए उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिलते रहे डॉग को, नए डॉग को क्या देते हैं नहीं देते। उसके बाद आपका टाइमिंग भी 12 बजे का आता है, सुबह आपने अगर 5-7 बजे दे दिया तो आप 12 से 1 बजे के बीच में दोबारा मिल होगा। इसमें आप दही के साथ फूड दे सकते हैं, ऐसे प्लेन दही भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपका ये शाम का मील आता है, जो शाम में आप छेना, अंडा, पनीर, इसमें से कुछ भी आप दे सकते हैं, तो खाना होगा जो सुबह में आपने डाइट दिया सेम एज रात में पड़ेगा, है ना। प्रक्रिया वैक्सीन का, वैक्सीन एक आज 45 दिन का है, तो आज एक वैक्सीन पड़ जाएगा, फिर उसके 21 दिन के बाद आप दूसरा वैक्सीन आ करके दिलवा लेंगे, तीसरा वैक्सीन पड़ेगा 90 डेज का, वो 90 डेज जब आपका डॉग 90 डेज का हो जाएगा तो रेबीज पड़ेगा, जो आप बोल रहे थे ना काटने वाला, वो 90 डेज का पड़ता है। उससे पहले काटने से रेबीज वगैरह नहीं होता। अगर आपको लगता है कि डॉग बाइट कर लिया, अगर आपका डॉग 3 महीने से छोटा है तो आप टेंशन ना लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप 3 महीने से ऊपर का है या 3 महीने के आसपास का है तो आप वैक्सीन करा लें डॉक्टर से मेल करके, जरूरी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और प्यार बनाए रखें। और बाकी भैया से जानते हैं इनका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो भी मैंने डिटेल बताई है। अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, और कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।